बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक तरह से हम जितनी मेहनत करते हैं उसका एक रिवॉर्ड मिलता है हमें हमारी ऑडियंस की तरफ से और जिन्होंने हमारा टैलेंट पसंद किया है उनकी तरफ से. सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको रियलाइज होता है और आपको उससे जानकारी मिलती है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो और इससे बेहतर भी काम करते रहो. शो तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार मिल ही रहा है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ और आई एम ग्रेटफुल इसके लिए भी क्योंकि मैं एक बहुत ही प्यारे शो की बहुत ही प्यारी स्टोरी की एक पार्ट हूँ. एंड उसके साथ साथ रही बात रील की तो जब ऐसा मौका दे देती है किस्मत क्योंकि यूजुअली छुट्टी नहीं मिलती है एंड वैसे ही मैं सेट है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है पर जब मिलता है तब कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ दे पाऊँ मैं. नहीं ऐसा कुछ स्पेशल कारण नहीं है. जब आप बसई में शूट करते हो हर रोज आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है तब आपके साथ ऐसा ही कुछ होता है. अगर बात करें बिग बॉस की तो इस बार नहीं तो कुछ होस्ट करेंगे नए होस्ट के लिए आपकी क्या रिएक्शन है क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँगी इसमें आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट बिकॉज अभी अगर सलमान सर नहीं है तो बहुत डिफरेंट होगा पहले से बहुत ज़्यादा. अभी क्या होगा इतना तो मुझे नहीं आइडिया. थैंक यू. एक बार इधर से होके आते हैं. वेरी गुड करेक्ट. इशू जी आपने इशू बोला ना. आप पहले की थीम के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं देख सकते हैं आप. मैम मैं आपसे जानता हूँ एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट एक एक्टर की अवार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसको अपने काम की कितना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड बिकॉज यू नो अवार्ड शोज एक तो पहली चीज़ तो बहुत हैपनिंग होते हैं आपका मूड बहुत एकदम लाइटन अप हो जाता है बहुत सुबह से सब बहुत एक्साइटेड होते हैं ओके अवार्ड्स में जा रहे हैं सो बहुत मज़ा आता है. एंड सेकेंडली आप जो इतना काम कर रहे हैं यू नो चाहे वो न्यू कमर्स हो चाहे वो लोग जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से बने हुए हैं चाहे कोई भी हो उनको जब कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है ऐसा कुछ भी होता है ना सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर देम. मतलब वो बहुत खुश होते हैं उस अवार्ड को जब उनको मिलता है तो और भी ज़्यादा इंथ्यूजियाज़म आता है अंदर कि यार अब और भी अच्छा अच्छा काम करना है सो दैट और भी आगे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं. हाँ बट वो काफ़ी पहले शूट हो गया अभी करेंटली आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई वेब सीरीज सो आई कैन रिवील द नेम बट या इट विल बी आउट सून. इट्स 30 मिलियन. सो थैंक यू यार बहुत ग्रेटफुल हूँ बहुत खुशी होती है क्योंकि जैसे फ़ोन खुल रही है अभी वही चल रहा है मैं थारे पाँव के तो खुशी होती है मेरे को और बहुत सारे ऐसे लोग यू नो अभी मैं गोवा गई थी घूमने तो मैंने ट्रैवल किया तो वहाँ पे भी लोग सुन रहे थे बट दे डोंट नो कि वो मेरा गाना है तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के कि इट्स एवरीवेयर. सो यार आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड बट देन अनिल सर का एक बहुत ही ब्लास्टिंग प्रोमो आया एंड आई सॉ कि यार उन्होंने कभी किया नहीं है डेफिनेटली इट इज़ हिज फर्स्ट टाइम बट ही इज़ गोइंग टू किल इट विदाउट एनी डाउट. वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू मिस सलमान सर बट इट्स फाइन. योगा
यू आर टॉकिंग अबाउट योगा डे. योगा डे यार, एक एक्टर हो या एक्ट्रेस हो कोई, उसकी ज़िंदगी में फिटनेस इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी. और योगा डे जो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं या रेगुलरली योगा करते हैं या जिम करते हैं और एनी काइंड ऑफ वर्कआउट करते रहना चाहिए यार, बिल्कुल. और आप लोग भी करते रहना. Hello everybody. Hello, hi ma'am. I'm good. How are you? You're looking so beautiful. Thank you. मैं आपसे जानना चाहूँगा, as an actor, as an artist, कैमरा लुक के लिए एक award कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके आगे के करियर के. अवार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने जो काम किया है उसको सराहाया गया है. तो हाँ, थोड़ा भारी भरकम हिंदी और शब्द था ये. हाँ, तो आपके काम को सराहाया गया है, आपको अप्रिशिएट किया गया है, वो एक पुश मिलता है टू डू बेटर वर्क. एंड ऑल्सो वो एक जुनून आई गेस जो मिलता है कि ये बारी अवार्ड मिला है तो अभी अगली बारी भी अचीव करना है. सो इट गिव्स यू दैट पुश ऑल्सो, इट गिव्स यू दैट मोटिवेशन. मुझे कैटेगरी कौन सी है, हाँ, फॉर शॉर्ट फिल्म. जैसे आपका जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं इंस्टाग्राम पे, जल्दी सब जगह वायरल होने वाला है. आउटफिट को लेकर क्या कुछ बोला जाएंगे आज, डिसाइड एकदम साड़ी पहन. यार क्या होता है ना, जब अवार्ड फंक्शंस पे हम आते हैं कोई आउटफिट पहन के, हम नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं कि आप बोलें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस दैट वो बहुत बारी ऐसे होता है कि फैशन पुलिस स्क्रूटिनाइज कर देती है बहुत बुरी तरह से, मतलब बुचर कर देती है अगर कोई आउटफिट अच्छा नहीं लगा उन्हें. बट दे फॉरगेट द फैक्ट कि क्योंकि वो आर्टिस्ट को वो ड्रेस अच्छा लगा इसलिए पहना है. नोबडी वॉन्ट्स टू गेट स्क्रूटिनाइज, नोबडी वॉन्ट्स टू गेट बुचर्ड फॉर द लुक व्हाट दे हैव वोन. किसी और की नज़रों के लिए शायद वो सही नहीं होगा, पर उनकी नज़रों के लिए सही है. नो आई डोंट थिंक सो, आई वुड वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एवर. वेरी गुड अनिल जी, मैंने काम किया उनके साथ रेस के अंदर. आई मीन व्हाट डू आई से, झकास शो को झकास होस्ट मिला. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई हैव बीन जहीर जयहोप में असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं तब से जानती हूँ उसे. सोना को ऑब्वियसली मैं भी तभी से जानती हूँ. सोना को इनफैक्ट मैं बहुत पहले से जानती थी, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कोरियोग्राफर थी तब से. एंड आई नो द एंटायर स्टोरी हाउ जहीर एंड सोना मेट एंड एवरीथिंग. सो या आई थिंक आई हैव विटनेस द एंटायर थिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली वो लोग शादी कर रहे हैं. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग वेडिंग. थैंक यू, थैंक यू. बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. और हमको अगर अप्रिसिएशन ना मिले काम में तो डीमोटिवेशन तो बनता है.
तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू ऑल दीज अवार्ड फंक्शंस एंड इवेंट्स जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है. ऑफकोर्स फैंस से तो मिलता ही है बिकॉज वी काइंड ऑफ रिसीव DMs एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द अवार्ड्स आई थिंक वी गेट मोर मोटिवेटेड, तो और जोश आता है काम करने. आई थिंक इट्स गुड. अभी तो मैं इसी के सक्सेस को इन्जॉय कर रही हूँ बिकॉज अभी कल ही अनदर 5 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, सो आई एम इन्जॉइंग दैट. फैंस का जो रिस्पॉन्स है इट इज़ ओवरवेल्मिंग, ऑल थैंक्स टू माई कास्ट सेबान अजीम एंड दीपशिका नागपाल एंड निवेदिता बासु एंड ऑल ऑफ दैट. बट अभी है चीज़ें पाइपलाइन में, आई जस्ट वॉन्ट टू नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, बट आई विल लेट यू नो. आई एम ओपन फॉर एवरी थिंग. मैंने ऑलरेडी नच बलिए कर रखा है, सो आई काइंड ऑफ नो द यू नो एसेंस ऑफ रियालिटी शोज एंड आई एम इन लव विद रियालिटी. मुझे नॉन फिक्शन शोज ज़्यादा पसंद आते हैं फिक्शन से, सो इफ देयर इज बिग बॉस देन आई नॉट. सेवा निमृत आलूवालिया, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, सो आई नो दैट शी इज़ यू नो वेरी रफ एंड टफ गर्ल. शी इज़ जस्ट देयर यू नो स्पोर्टी एंड ऑल ऑफ दैट, सो मुझे पक्का यकीन है कि वो जीत के ही आने वाली है. मैम बात करें अगर फिटनेस को लेकर, 21 जून को योगा डे है, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार आई रियली सपोर्ट फिटनेस क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, बट आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ योगा. आई एम रियली इन लव विद पिलाटेज एंड जिम एंड कार्डियो एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो योगा करते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू वर्क आउट एंड आई मीन आई एंजॉय योगा. जी क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ मैंने अभी वही बोला है कि मुझे ग्रेट रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस की वजह से. आई थिंक इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा फैंस इस चीज़ के साथ जुड़े, इस शो को देखें बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी और लव स्टोरी किसे पसंद नहीं आती है, सो इट इज़ अमेजिंग. द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अमेजिंग. Thank you guys. आई थिंक वी आर ऑलवेज एक्साइटेड ऐसे इवेंट्स पे आने के लिए, एंड अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं एक एक्टर के लिए. मेरे ख्याल से हम दोनों का आई थिंक नज़रिया वैसा ही है कि अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज़रूरी है. होने वाला है, मैं भी करूँगी दिन ना दिन ऐसा ही होना चाहिए. अगर राइट टाइम होगा तब सब बातें सबको पता चल जाएंगी. अभी राइट नाउ देयर इज नथिंग टू से, सो आई कांट स्पीक एनीथिंग. ऑल द बेस्ट. खतरों से खतरों को आगे चीर के आगे बढ़ के खिलाड़ी बनना. ऑल द बेस्ट. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अरे यार
चलिए ठीक है, रेडी रहो रवि सर. थैंक यू. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. यू नो द मुंबई अचीवर्स अवार्ड, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो मेरे लिए तो ये बहुत क्लोज है टू माई हार्ट. और मैं नॉमिनेटेड हूँ फैशन डीवा ऑफ द ईयर, तो आई होप आई एम लिविंग अप. जी बिल्कुल, मैंने दो फिल्म्स कंप्लीट की है, तो जल्दी आएंगी वो. एक का नाम है विस्फोट, विच इज़ अ टी सीरीज फिल्म विद फरदीन खान एंड रितेश देशमुख, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. जी बिल्कुल, मुझे पूरा ही शो बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रैंड था, बहुत ब्यूटीफुल था. एंड ऑनेस्टली फॉर मी वो कलर्स देखना, वो सेट देखना, वो कॉस्ट्यूम्स देखना, मुझे बहुत अच्छा लगा. एवरीवन हैज परफॉर्म्ड अमेजिंगली वेल एंड आई ट्रूली एंजॉयड इट. आपको विस्फोट देखना पड़ेगा उनके कम बैक के लिए, वो है विस्फोटिक कम बैक. थैंक यू. यार मुझे लगता है कोई भी छोटी चीज़ है, अवार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है. आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान भी अगर मिलते हमें और जब सेल्फी लेते समय कुछ दो शब्द बोलते हैं, वो दो शब्द ही दूसरे दिन काम करने में मज़ा आता है. मुझे लगता है ये तो हम ये फील्ड की बात करें, वर्कआउट करने के बाद आप छोटी टी शर्ट पहनते हो, आपके बाइसेप देखे बोलते भाई बॉडी अच्छी बनाई, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा मारते हैं हम लोग देखो है. तो बहुत मुझे लगता है ज़रूरी होता है लाइफ में, घर वाले लोग हो या फिर बाहर वाले हो या कोई भी हो, अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है, दूसरे दिन मोटिवेट करता है काम करने के लिए. भाई मैं आपसे जान रहा हूँ अनिल कपूर जो तो आप होस्ट कर रहे हैं, मैं होस्ट हम सभी के बीच में, क्या लगता है कैसा रहेगा इस बार माहौल बिग बॉस? कुछ टाइम तक सलमान भाई को मिस करेंगे लोग, क्योंकि उनका उनकी आदत हो चुकी है, बट मुझे लगता है अनिल कपूर सर का एक अलग और है और वो झक्कास वाला चीज़ और नए लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, तो मज़ा आएगा. सर बात करूँगा जी, योगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस का, क्योंकि वो हमको पेशेंस देता है. सो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को कि उनको करना चाहिए कि नहीं? मैं तो यार मैं कहूँगा जितने सेलिब्रिटी होते हैं मुझे लगता है सालों से योगा कर रहे हैं, अगर हम वो क्या कहते हैं यंग रहने के लिए अलग अलग टैबलेट आती है, बट योगा करोगे तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है. ये मैं बोल रहा हूँ बट मैं योगा नहीं करता हूँ, मैं सच्ची कहूँगा मैंने ट्राई किया था, मेरा पैर वो जो पालती अपन मानते हो ना जी पालक, वो मेरी होती नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ योगा करने का, बट योगा करना बहुत ज़रूरी है. तो हैप्पी योगा डे सर. जी खतरों के खिलाड़ी में क्या एडवाइस, वर्कआउट ही होता है, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके गए. मुझे लगता है जब उन्होंने साइन किया था तो उन दो महीने पहले से उनका जो चीज़ था ट्रेनिंग थी वो चालू हो चुकी थी, बाकी उधर वो लक होता है, डिपेंड आपका लक कैसे चल रहा है, तो होपफुली वो अच्छा ही करेंगे, होपफुली ट्रॉफी जीत के. भाई शालिन को बिच्छू काट दिया एक वीडियो सोशल मीडिया पे, काफ़ी वायरल हो रहा है,
ऐसे सवाल मत पूछो, मेरे अंदर से कुछ कुछ निकलता है फिर यार। शालीन बहुत स्ट्रांग इंसान है, बिच्छू तो अभी काटा है, उसको कुछ कहाँ कहाँ पे काटा हुआ है यार मत पूछा करो यार, मैं भूल जाता हूँ कैमरा फिर, पर वो बंदा बहुत स्ट्रांग है, उसको काटने से डर नहीं लगता, कुछ होता भी नहीं। शालीन लव यू ब्रो यार किसने काटा शुभ कौन काटा हमने सबसे पहले देखा आयुष सर पीछे लो यार थैंक यू बढ़िया है बस चल रहा है जो चल रहा है। वैसे आपसे मुलाकात होने का आपने कहा था कि अभी सॉन्ग्स में कम करूंगा क्योंकि चेहरा ऐसा रेगुलर आए तो नोन नहीं रहता है, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स पर हमारा आपने इतना बड़ा दबा दिया, कैसे एक्सपीरियंस था इस गाने को लेकर, कितना प्यार मिल रहा है? एक्सपीरियंस वही था, मैं उस वक्त भी यही हिंट्स दे रहा था सबको कि आने वाला है, आने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने शो वाले साल में कर दिया था, जिस साल शो हुआ था, अब गाना आया है और बहुत प्यार मिल रहा है गाने को, तो बस ग्रेटफुल हूँ। हाँ विद इन दो महीने कुछ तो आएगा, दो गाने शायद, आई गेस वो सेंसेशनल सिंगर ऑफ द ईयर समथिंग। तरक्की नहीं हो रही कि अवार्ड का भी नाम चल तो रहा है, बहुत कुछ देखते रहिए बस, क्या पता, बॉलीवुड का यही होता है ना कि पता नहीं चलता कि फाइनल किसका हो जाए गाने के बाद भी। मैं तो ये देखा था उनका पोस्टर आने से एक दिन पहले भी श्योर नहीं था कि ये आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, मेरी मम्मा
बहुत इमोशनल हो गई। मेरी बहनें 2-3 बार फिल्म देखने चली गई गाने के लिए, और होम टाउन में बहुत प्यार मिल रहा है फिल्म को। देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए आए मैनू की हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू नील भाई, इधर ऐसे ऐसे टर्न हो जाए सामने। नील भाई लुक इधर कैमरा। नील भाई यो अब टैग 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 हो जाए टैग हो जाए टैग हो जाए। बर्फ पे ये बर्फ 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 Hold. Tumble.
वेरी बिगिनिंग की रिस्क भी थे इस शो के, तो कुछ लोग अपोजिशन में भी है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड प्रोग्रेसिव शो, सो दिस वॉज एक्सपेक्टेड. बट जितने लोग भी देख रहे हैं उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग इट, द स्टोरी लाइन, द एक्टिंग, द यू नो मोहन एक्टिंग, माइन एंड फमान्स, यू नो जोड़ी एंड व्हाट्स एवर, यू नो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू वन एंड ऑल. शो का स्टोरी लाइन कभी नहीं हटी. क्या होता है कई बार एक टाइप का स्टोरी दिखाते दिखाते ना यू नो कभी हम डिफरेंसेस भी दिखाना चाहते हैं, एक चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें ना तो वो चीज़ टूटने लगती है, तो इसलिए हम फोकस शिफ्ट करके दूसरी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट पीपल एक्चुअली लाइक द अदर साइड ऑफ द स्टोरीज एज वेल. अभी भी काफ़ी कुछ रिवील होना बाकी है, अभी तो मेन प्लॉट चालू होनी जस्ट स्टार्ट हुई है एंड आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा. I'm nominated as the most promising actress of the year, so I hope, yeah. I think mera dost mujhe pehchana hi nahi when I was like cheering him up at that point of time, but okay. So I'll just sing two lines of
शादी में जा रहे सर एयरपोर्ट पे फिर से ट्रैफिक जाम हो गया। अगर भगवान ने चाहा तो शादी में पहुंच जाएंगे। आइए बाइट लेंगे। आइए सर बाइट करते हैं। सर आप इस अवार्ड नाइट में आए, क्या कुछ अपने एक्साइटमेंट बताना चाहेंगे और आपके लाइफ में अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है? ये जो द मुंबई अचीवर्स अवार्ड है, इनका बड़कपन है कि हर बार मुझे बुलाते हैं और मुझ जैसे छोटे कलाकार को अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। ये इनका बड़कपन है। आप सब दोस्तों का आशीर्वाद है, प्यार है, परमात्मा की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिलता है। और अवार्ड जब किसी कलाकार को मिलता है तो जोश आता है, उसका मौज आता है, वरना आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जोश और मौज हमें डाउनलोड करना पड़ता है। गाली गलौज फिल्म बहुत ज़रूरी थी इस समय में जो आई है हमारे प्रोडक्शन से। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल पर यूट्यूब चैनल पर भी है। और आप देखिएगा, ये गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं, ये गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। जो मनोज वाजपेयी गाली गलौज करते हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गाली गलौज करते हैं, जो पंकज त्रिपाठी गाली गलौज करते हैं, और जो सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया पर जो ऐसा माइक पकड़ के कॉमेडी करते हैं लड़का लड़कियाँ, सबके खिलाफ है। क्योंकि हमारी फिल्म ये चाहती है कि दर्शक हमारे माए बाप है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। इसलिए दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उनकी तरह गंदा नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं बदनाम लोगों का नाम नहीं लूँगा। मैं किसी कीड़े मकोड़ों से बात नहीं करता, मैं इंसान से बात करता हूँ। और इंसानियत का सबसे पहला धर्म है एक दूसरे की खुशी चाहना। वो कचरा शो है, बिग बॉस एक गटर शो है, कचरा शो है, और जिस जो उसमें जाते हैं वो और भी कीड़े मकोड़े हैं। 90% सभी नहीं। भाई शत्रु साहब जीवन भर नाचते रहे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, वो खुद ही ये नहीं कह पा रहे कि आज मेरे सोना की शादी है। उन्हें कोई राय ही नहीं मिल रही, कहीं रीना राय की बद्दुआ तो नहीं लगी? गदर के दो डाले जोड़ दिए मैंने। किस आज़ादी की बात करते हैं आप? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। लव यू। अभी मैं अवार्ड लेके आ रहा हूँ, फिर और बात करूंगा। किस आज़ादी की बात करते हैं आप लोग? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। क्या बात है! थैंक यू। मैं अवार्ड लेके पूरे देश को आपने मराठी सिखा दी, पूरा हिंदुस्तान मराठी बोलने लगा गुलाबी साड़ी के कारण। कितना प्यार मिला संदीप सैमसन के बाद आईपीएल में काफी गूंज रहे, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस? बस बहुत प्यार मिल रहा है, मतलब अभी लैंग्वेज का बैरियर कुछ रहा नहीं है, तो जो हम लोग का जो क्या बोलते प्रयत्न था जो कुछ करने का, तो हमने किया है और आगे बहुत कुछ करना है। भाई एक आर्टिस्ट को जब अवार्ड मिलता है तो उसके लाइफ में कितना उसके एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट भरा, उसके लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट वही होता है, मतलब आर्टिस्ट को क्या तालियां और अवार्ड्स। भाई जितना आपको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सेंसेशन मिला, वहां से जर्नी सीधा बिग बॉस पर जाती है, क्या ऐसा कुछ होगा? पता नहीं, लाइफ है, जर्नी कहां पे भी जा सकती है।
भाई गुलाबी साड़ी में क्या कुछ नया दे रहे हैं आप हम सभी? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भाई। चलिए अब जिस चीज़ का हम सभी को इंतजार था, दो लाइन माइक पर आपके। ओके, नखरे वाली कुठे निघाली, घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझी मोरणी सी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काळ। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी को लेकर जो आपका प्लान हमेशा, आज भी आप यहाँ कर, आज भी कुछ गड़बड़ा हो जाएगा। सर मैं आपसे जाना चाहता हूँ, एज एन आर्टिस्ट आपके लिए अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ में आगे बढ़ने का? डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए, एक अप्रिसिएशन है जो सबको अच्छा लगता है, और अवार्ड मिले तो डेफिनेटली कई लोगों को जैसे होता है कि नहीं मिला तो ये होता है यार सारा किसी को भी मिल जाता है, जब मिलता है तो लगता है नहीं यार ज़रूरी है, सही लोगों को मिलता है तो अच्छा लगता है हमेशा, और अप्रिसिएशन तो हमेशा ही काउंट होता है। नो डाउट अवार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से OTT के आने के बाद से अभी लोगों को जितना काम मिलने लगा है, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि पहले उनके पास वैसा काम नहीं था, लेकिन OTT आने से सही बहुत सही काम मिलने लगा लोगों को, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, तो उसके बाद से आने के बाद से काफ़ी काम मिला है लोगों को, और यू नो चीज़ें ओपन हुई हैं सबके लिए, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अभी सर आपका नया क्या प्रोजेक्ट समय देखते हैं? अभी हम खत्म, मेरे ख्याल से बेकाबू खत्म हुआ, और फिर तेरी मेरी डोरियां, अभी मेरा ट्रैक खत्म हुआ है, सो नाउ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग समथिंग गोइंग ऑन, तो बात होती है। मतलब ये है कि चैनल से बात होती रहती है, कई चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी तो डेफिनेटली हम साथ साथ में आएंगे, वैसे हम लोग अलग से मिलते रहते हैं, हर हफ्ते खाने पीने में बैठते हैं, मुलाकात होती है, ये लोग दया लोग अपना वो कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा बड़ा, हाँ उन्होंने शुरू किया है, साडम साहब का अलग है, बट डेफिनेटली सून आई थिंक विल स्टार्ट समथिंग बिगर एंड बेटर। थैंक यू सो मच। भाई हैंडसम लग रहा है भाई, हाँ जी भाई, वी आर सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू, लाइक वाइज, एब्सोल्युटली थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक अवार्ड नाइट एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट, आपके आपकी लाइफ में अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, आगे काम करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देता है? मैं हमेशा एक ही डायलॉग रिपीट करता हूँ हर बार, कि जब भी कोई अवार्ड होता है दैट इज ऑब्वियसली इट्स अ रिकग्निशन ऑफ योर वर्क, जो आप काम करते हैं उसकी उसको सम्मान दिया जाता है, बट फॉर मी an award is like a reward of all the hard work that the actor puts in to become what he becomes, and obviously audience ka jo pyar hota hai wo hamare liye reward hota hai, but uske sath sath jab koi aapke kaam ko recognize karke aapko trophy deta hai ya award deta hai to wo mere liye ek bahut bada reward hota hai, and it's a very encouraging thing because you know ki aapko appreciation mil raha hai to aapko pata hai ki aapko aur behtar karna hai, aur behtar karna hai, जब तक हम नेशनल अवार्ड या ऑस्कर नहीं जीतते थे। यस आई हैव कपल ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन, आई बट दैट इज़ मोर ऑफ माई म्यूजिकल साइड, सो आई एम गोइंग टू कम आउट विद समथिंग वेरी वेरी सून, सम गुड न्यूज़ इज हैपनिंग ऑन द म्यूजिक फ्रंट, सो आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। नो अब वेल ए के अनिल कपूर सर इज़ अ वेरी वेरी सीनियर आर्टिस्ट एंड आई वुड लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज़ फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर ही इज़ गोना डू अ ग्रेट जॉब टू एज अ होस्ट ऑन बिग बॉस, ही इज क्वाइट द रैपचिक काइंड ऑफ अ गाय, यू नो, सो ही इज गोना किक एस आई थिंक। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ट्रॉफी
अरे रुक जाओ, अरे रुकिए रुकिए, आप कर लो फोटो। हाँ ये सर, सर रुको सर, कोई मचाएगा नहीं अभी, यार यार सामने सर, बहुत देर से कर, एक कोई बात नहीं चलेगा, आपके लिए खड़े थे सर, आयुष फोटो ले, हां हां लेते चल भाई, चल ले भाई, बैड होने दे भाई, बैड इज इंपॉर्टेंट सर, वाइट इज वेरी गुड के लिए, तब मैं बोलता हूं कोई नहीं बोल, बहुत सारे हैं ना, हां सर, गुड टू सी यू सर, चंदू चैंपियन सवाल मचा रही है, आपकी ही कास्टिंग और अभी भी जिंदा है, मैंने काफी लोग इंग्लिश के सपने आपको शुक्रिया अदा किया, यार अच्छा लगता है और कि आप इतनी बड़ी फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं और बहुत सारे एक्टर आपको प्यार करते हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि कबीर सर के साथ काम करते हुए इतने साल गुजर गए, सारी फिल्म की है और इतना प्यार बजरंगी भाईजान को मिला, उतने प्यार चंदू चैंपियन के बच्चे को मिल रहा है, उतनी कास्टिंग को प्यार मिल रहा है, तो रियली होपिंग कि फिल्म जो है आप जाके देखो संडे टू संडे, कल जाके जो भी होगा मैजिक देखेंगे फिल्म। मैं बात करूँ सर, अगर एक्टर तो पहले रणदीप हुड्डा, मनोज बाजपेयी, सर ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए धीरे धीरे जाने जाकर उसी लाइन पे कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन का भी ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा सी, जो भी एक्टर दिल जान लगाता है किसी फिल्म के अंदर, मैंने बहुत सारों को देखा जो जान लगाते थे, आई थिंक कार्तिक ने वो इस फिल्म के अंदर किया है, मैंने उसकी जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट डे जब फिल्म प्रेस को मिले थे तब से लेके उसकी पूरी जर्नी 1.5 साल तक बहुत क्लोजली मॉनिटर करी है, देखा, साथ में रहा, वर्कशॉप किए, जितनी मेहनत उस लड़के ने करी है आई थिंक वो हर यंगस्टर को जो भी फिल्म में आना चाहता है, जो भी आउटसाइडर है उसको उससे सीखना चाहिए। सर मैं आपसे लास्ट ही जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर आपको कासिम रेखा के आप एज एन एक्टर भी लोग पसंद करने लगे, तो इस फिल्म में अभी जल्दी आपका कोई कैरेक्टर नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अच्छा है कि वो जब मैं लोग छुट्टी में जाते हैं मालदीव्स और गोवा घूमने जाते हैं मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई प्यार मिलता है एक्टिंग को, ठीक, बिकॉज मैं एक्टिंग को प्रोफेशन की तरह नहीं करता हूँ, हॉबी की तरह करता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं मुझे बोले मैं कर लेता हूँ। बस जाते थे बता दीजिए हमारे इंडस्ट्री में सोनाक्षी की शादी हो रही है, मैंने अभी भी उनको भी बोला, बहुत बहुत खुशी हो रही है सोनाक्षी और राहिर की शादी के बारे में, ऑफकोर्स मालूम था हम लोगों को, लेकिन अब जब ऑफिशियल हुआ तो और अच्छा लग रहा है, राहिर को मैं तब से जानता हूँ जब नोटबुक किया था, उससे पहले उसकी वर्कशॉप किया था, और सोनाक्षी को भी कितने सालों से साथ में काम किया, बहुत खुशी है दोनों को लेकर, बहुत एक्साइटेड है हम सब लोग इस तारीख को लेकर, तो विश यू, आई जस्ट वांट देम टू जस्ट बी हैप्पी, जिंदगी भर में खुश रहे, साथ में रहे, ऐसे प्यार करते रहें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और जिम्मेदारी मिलती है और काम करने का अच्छा मौका मिलता है, आप सब काम देते रहिए, प्यार देते रहिए, हम लोग कोशिश करते रहिए कि अपने काम को आगे बढ़ाएं और आपको खुश कर सके हर माध्यम से। सर आपको अवार्ड वर्सेटाइल कॉमिक एक्टर मिला है, उस टाइम का कोई आपका ऐसा डायलॉग, कोई पंचलाइन है जो ऑडियंस आज भी आपको पसंद करते हैं, वो शो रियलिटी शो से लेकर अब तक, भक्तजनों, हमारा नाम है रतन नोरा और अचीवर अवार्ड के बिना हम हूँ अधूरा, आज ये अवार्ड मिल गया तो आप मीडिया के सामने हो गया हूँ पूरा, आप सब मीडिया वाले काशी और मथुरा और जो आपको नज़र लगा है वो है धतूरा। वहीं अगर आज हम सभी के बीच में राजू जी होते, राजू श्रीवास्तव सर, वो भी आज इस अवार्ड के हकदार होते, उन्हें आप कितना मिस करते ऐसे मोमेंट? राजू भाई तो मैं कहता हूँ कि वो स्टार नहीं थे, वो आसमान थे, वो एक ऐसे आसमान थे जिसके तहत हम सब चमक रहे थे, और मैं समझता हूँ कि वो हमेशा आसमान जैसा ऊपर होता है, आज अगर हम उनको समझे कि आज वो हमारे ऊपर है तो हमेशा रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, प्यार रहेगा और कुदरत के साथ में, उस नाइंसाफी के साथ में तो हम हमेशा डील करते रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजू भाई जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। मैं तो अच्छा है कि आपके बहाने ये मैसेज भारत सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि 40 साल तक हर स्टेज पे उन्होंने लोगों को हंसाया, चाहे फिल्मों में, टीवी पे, चाहे OTT पे, चाहे यूट्यूब पे, तमाम, तो 40 साल घर घर में हंसाने वाले इस कॉमेडी के बादशाह को भारत रत्न मिलना चाहिए, जी हाँ भारत रत्न मिलना चाहिए, हंसाने का काम किया है, परमात्मा का काम किया है, इससे बड़ा काम जो है कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू, लव यू सर, लव यू। सर ये
अरे भूम पे पूछो ना भाई, आइए सर भूम पर, भूम पे आइए। अच्छा आइए, तमाम जनता सुनना चाहती है मेरी लाइफ कैसी है। मैरिड लाइफ इज गोइंग वेरी वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स हैप्पीनेस नोइंग ईच अदर, गोइंग विद द फ्लो, न्यू थिंग्स, एवरी डे इज अ न्यू डे। भाई अगर रियलिटी शोज की बात करें, बॉस खतरों के खिलाड़ी क्या पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे, चांस मिलेगा? दोनों जगह हमारे सारे फैमिली है, हमारे लोग दोस्त हैं सारे जो भी काम करते हैं उसमें, तो दोनों जगह पर बोलते रहते हैं वो लोग कि करो खतरों खिलाड़ी करो फिर बिग बॉस करो, पर आई मीन आई डोंट नो अभी आई एम। अलाउ, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप ऑफ अलाउइंग ईच अदर फॉर थिंग्स, वी आर इन अ रिलेशनशिप ऑफ यू से या जस्ट गो विथ इट, अगर तुमको सही लग रहा है तुम, हमने एक दूसरे को चुना है तो वो सिर्फ हमने नहीं चुना है, वो द यूनिवर्स हैज़ क्रिएटेड टू चूज ईच अदर, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अलाउ कोई करने की नौबत आएगी या मना करने की नौबत आएगी, मुझे लगता है इंशाल्लाह। Earlier I was working with him as a, you can say, ek choreographer ke taur par, but now it's been almost like 14 years and abhi ek family ki tarah hain hum, to he's like a family and kabhi hum unke gaane kar rahe bhi hote hain, kabhi nahi bhi kar rahe hote hain to bhi we are like family and you know, to mujhe lagta hai ki unke liye jo hum duaen kar rahe hote hain har waqt ki namaz mein, वो दुआएं और वो सारी की सारी उनके ऊपर आने वाली बलाएं जो हैं, वो सब सब बोलने की बातें हैं, वो सब कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी फैमिली और हमारी मेरी पूरी कंट्री की देश की हर जनता उनके लिए दुआएं करती है, उनके लिए मोहब्बत करती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी के बोलने से या ऐसे कुछ करने से कुछ होने वाला है, और वी विल ऑलवेज सी हिम शाइनिंग ब्राइट एंड गोइंग अहेड इन life in the films and you know rocking the nation, so inshallah he'll be always safe. भाई जाते जाते आप ये बता दीजिए कि आपका कब as a judge comeback हो रहा है? यार जज जो है वो आप फिल्म में गाने करते हो तो आप वहाँ बैठ के जजिंग करते हो, तो मैंने खुद अपने आप को ये सोचा कि लेट्स डू सम मोर 200-300 सॉन्ग्स मोर और फिर बाद में आके और बैठते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि मैं बैठ रहा था और मैंने 4-5 सीजन कर लिए थे तो बहुत बार गाने भी मेरे छूट रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मौका मिला है, सी व्हाट आई डू इज जो मुझे यूनिवर्स दे रहा है, जो मुझे मेरा क्रिएटर दे रहा है मैं वो कर रहा हूँ, और धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा हूँ जान रहा हूँ, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में सिनेमा को और सीखने की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं गाने ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर जब भी मौका मिलेगा मैं बैठ जाऊँगा, मुँह तो बस चलता रहेगा। चलो थैंक यू। सुमूल जी आइए, सुमूल जी आइए, छोकरे ने सुमूल जी आइए, अरे भाई सुमूल की जगह कौन आ गया, बुलबुल की जगह बुलबुल आ।